हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ लेके आई हूँ दही वाले मसालेदार भिंडी। इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपकी सब्जी भी मेरी ही सब्जी की तरह बनेगी और यह खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 250 ग्राम के करीब भिंडी और इसे मैंने कट कर लिया इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लिया 1 कप फेटा हुआ दही, उसमें डाल दूंगी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो अब मैंने इसे मिला दिया है। अब हम एक पैन में 1 चम्मच तेल को गरम कर लेंगे। अब मैं उसमें डाल दूंगी एक कटा हुआ भिंडी और इसे हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल दूंगी। अब मैं उसी पैन में फिर से 1 से 2 चम्मच तेल को गरम कर लूंगी। उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया हुआ दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च। फिर मैं इसे डाल दूंगी 1 कप बारीक किया हुआ प्याज। इस प्याज को हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे। तो बिल्कुल भून कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे कि मसाला जले ना। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप टमाटर का पेस्ट और इसे हम ढककर 2 मिनट भून लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले वाली दही, जिसमें मैंने पहले शुरुआत में ही मसाले को ऐड कर दिया था। अब मैं मसाले में से तेल अलग होने तक इसे भून लूंगी। तो बिल्कुल भूनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम और पानी का इस्तेमाल करेंगे। और अभी तक इसमें मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। फिर हम इसमें डाल दूंगी फ्राई किया हुआ भिंडी और इन सबको मिक्स कर देंगे। और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, उसे भी मैं डाल दूंगी। फिर इसे ढककर हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें, आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।